शहर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत विश्वनाथ कॉलोनी निवासी और पाठापुर गांव के पूर्व सरपंच कैलाश यादव को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि वे रविवार को किसी जन्मदिन पार्टी में गए थे। उन्हें रात में 1 बजे फोन पर सूचना मिली थी कि कैलाश यादव को किसी अज्ञात लोगों ने गोली मार दी और उसे मिशन अस्पताल में छोड़ गए हैं। सिटी कोतवाली पुलिस और ओरछा रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि छतरपुर के एक युवक जिसके पसली के नीचे गोली लगी है, वो कल रात को झांसी रेफर हुआ था, जहां झांसी में उसका आज सुबह निधन हो गया। तो SP सूचना पे वापस बॉडी यहाँ ला के 0 पे मर कायम करके और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हमारे तो यहाँ फोन आया है कि आज हॉस्पिटल आ जाओ, भैया गिर गए। हम हॉस्पिटल पहुँच गए मिशन। लगभग कितने बजे की घटना है? जब आपको घटना होगी लगभग 9 बजे की, हमें 10 बजे के बाद पता चला। फिर आप लोग मिशन पहुँचे? मिशन पहुँचे, क्या पता वहाँ जैसी स्थिति देखी इनकी, एक्सरे वगैरह कराओ। हमने उनसे सवाल करो कंपाउंडर डॉक्टर से, हमने कि सर कुछ उपाय हुए तो ठीक है, नहीं तो आप रेफर कर दो तो हम ले जाए। तो बोली हम बता रहे 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट करके उन्होंने आधा घंटा लगा लो लगभग। फिर उसके बाद बोले कि हाँ ठीक है, ले जा सकते आप। तो फिर हम झांसी ले गए। मतलब मेरे मौसी का लड़का है, मुझे अभी मालूम पड़ा है कि रात के 1 बजे इसको गोली लगी। गोली लगने के बाद मिशन अस्पताल में किसी बंदे ने छोड़ दिया, इसकी कोई जानकारी नहीं है कौन बंदा है, ठीक है ना। उसके बाद भैया को फोन लगाया, उनके मतलब कैलाश चाचा के बड़े भाई को, वो लेके झांसी गए, उसके लिए वापस लेके आए हैं। सिविल लाइन वाले बोल रहे हैं कि वो छतानी बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, रेंज में नहीं है, और सिटी कोतवाली वाले बोल रहे हैं कि हमारी रेंज में नहीं है। ये